और थोड़ा गीला ही है। तो यहाँ ये दीदी आलू और झिंगड़े की सब्जी बना रहे हैं। गाइज कैसे हो आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं लता बिस्टू स्वागत करते हैं आप सभी का सौर घाटी पिथौरागढ़ से मेरी यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग पे। तो अभी करीबन 3 बजा हुआ है और हम लोग आए हैं खेत पे घोगा गोड़ने, मक्के गोड़ने। तो मौसी गोड़ी है और जमुना भैया उधर पे हैं, उधर से गोड़ना है। तो मौसी गोड़ने लग गई है। वैसे तो अब तो क्या होता है, घास तो कुछ नहीं करता मक्कों का, पर इसमें मिट्टी लगा दे ताकि ये ढले ना करके। पर मुझसे तो होता नहीं है, पर कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने कभी किया नहीं मक्कों की गुड़ाई, तो कोशिश करते हैं अब। ये लता बिट्टू को मक्का गोड़ना नहीं आ रहा है उसकी चाची मौसी शिकारी है। तो मौसी मौसी तो होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, देख देख के तो हो ही जाता है काम। दूर दूर से खाली जगह के मिट्टी खोद के मक्के के जड़ में लगा दे, वही हो गया। हाँ क्या नहीं होगा, यू कैन डू इट। हाँ वो हुबड़ा हो गया, मिट्टी थुपड़ाना है। हाँ उबड़ के बोर्ड में मिट्टी थुपड़ाना है और इसे ज्यादा क्या सीखना है। तो ये देखो पसीना, गर्मी हो रही है, उमस हो रहा है और मौसी अभी अच्छे से नहीं निकाल रहे, जो घास हो रखा है वो उसी में फेंक रहा है ताकि ये बाद में घास काटने के काम आएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कितना ज़्यादा घास हो रखा है और इनकी पत्तियों से वो भी कट रहा है। घास देखो कितना ज़्यादा घास हो रहा है, मुझे ऐसा मन रहा है कि गाय के लिए ले जाऊँ। वो मौसी कह रही है घास से गाय ज़्यादा कीचड़ करती है, तो इसके उससे हम नहीं ले जा रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो अभी इतना है गुड़ाई करना इस वाले एरिया से, इतना थोड़ा सा कर लिया है। मौसी मुझसे कह रही है तुझे पसीना हो गया जा तू घर जाके। देखो ऐसी सास है, जा बता। जमुना भैया ने घोड़ा है, देखो कितने अच्छे से साफ करके घोड़ा है भैया ने, और हमारी घोड़ाई देखो ये घास। और नीचे वो दीदी भी मक्का ही गोड़ने, इनका तो घास ही नहीं हुआ है, अच्छा रखा गोड़ने के लिए ना, इनका घास कम हुआ है, हमारा ज्यादा रखा है। देखो भैया ने सारा घास साइड पे डाल रखा है जितना खेत का घास था, और हमने सब उसी में डाल दिए खेतों में। तो मैं घास निकालती हूँ, आप गोड़ो फटाफट। हाँ फटाफट, यहाँ मशीन है जो फटाफट गोड़ो। क्या हो रहा है फिर, मैं फटाफट निकाल दिया, फटाफट गोड़ो जो जैसे आपकी आज्ञा। तो अभी आई हूँ मैं घर में पानी लेने, पानी प्यास लग गई है और जेंसी पता नहीं कहाँ है, गांव में आके घर में रहती नहीं है, घूमी रहती है, हर टाइम बुलाना पड़ता है इसे खाने के लिए भी, पता नहीं कहाँ गई है। तो एक बार मैं पानी लेके जाती हूँ खेत पे, की करेंगे बुराई चालू, और अंकल सोए हैं अभी तक का, अंकल को उठाना भी है, तो एक बार मैं अंकल को उठाती हूँ। ओह सॉरी सॉरी हो गया, अंकल तैयार लूणा धो रहे हैं, शाम की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। अंकल ने धो दी, आज हम बनाएंगे लूणा की सब्जी बनाएंगे। तो मेरे आते ही अंकल ने छोड़ दिए हैं, चले गए अंकल, मुझसे कह रहे हैं धो करके। तो अब मैं करती हूँ इनकी सफाई, तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मैं ये लूणा धो रही हूँ और साफ से धोना पड़ता है, इसमें जो जूस होते हैं तो निकालने में काफी टाइम लगता है, बहुत है अभी। और मुझे एक तो मक्खियों ने काट के यहाँ पे परेशान कर रहे हैं, मक्खियाँ भी बहुत ज्यादा, तो अभी इतना बचा है। तो हमने अपने लिए धो लिए हैं और ज्यादा था, तो ये दीदी धो के अपने लिए ले जा रहे हैं,
अंकल कह रहे थे फेंकते, मैंने कहा फेंकना क्यों है, कल लाएंगे, कह रहे ताजा ताजा। मैंने काट दिया, थोड़े बच गए हैं, और जो इसका नीचे जड़ वाला हिस्सा है सख्त है तो उसे मैं फेंक रही हूँ। काट लिया है मैंने, और थोड़ा गीला ही है तो थोड़ा हवा से अपने आप सूखता है, मैंने रख दिया। तो अंकल बना रहे से, क्योंकि अंकल टेस्टी बनाते हैं सब्जी खाना वाना, तो अंकल बनाएंगे, तो मैं थोड़ा नीचे वॉक करके आती हूँ, तो जंगल जिसमें बनाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इन बुकड़ों को देखो, तीन तीन चार चार बार खाते हैं दिन की। हाँ हाँ यार, सब्जी बनने लग गई है शाम की, और बुक्कड़ जैसे खाने में कितना डढ़ीते हो रहे तुम लोग, दाढ़ तो छोटा ही है, डाल कहाँ रहे हो तुम लोग। तो यहाँ ये दीदी आलू और लिंगड़े की सब्जी बना रहे हैं, ये भी मिक्स करके बना रहे हैं, तो ये मैंने खाया तो नहीं है कैसा होता है करके, ये कह रहे दीदी अच्छा ही बनता है, तो चुप रहे। तो बन गई ये सब्जी, और मैं रह गई नीचे बातों में, तो मैं दिखा नहीं पाई कि अंकल ने कैसे बनाई करके, पर मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाई है। अंकल ऐसे हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, इसमें लाल मिर्च और छिप्पी डाल के बना रखा है, सादा पर ऐसे टेस्टी बनता है। तो अब मैं आटा गूंथती हूँ, चूल्हे में ही रखा है ताकि ठंडा ना हो करके। तो मैंने आटा गूंथ लिया है, मौसी भी आ गई है, मौसी पकाएगी चूल्हे में, मैं बेलूंगी, और लाइट है नहीं, ये सोलर लाइट है, यहाँ लाइट कल से नहीं है। तो हमारी रोटियां भी बन गई, और ये है हमारे मेहमान। तो अब खाते हैं हम लोग। तो खाने लग गए हम लोग, और लाइट आई नहीं है, तो हम चला रहे इस मुगड़े से काम, काला काला हरियाणस अंधेरे से। खा लिया हम लोगों ने, और बर्तन धो रहे हैं अभी, तो धो लिए है बर्तन, अब सोते हैं। रात का मौसम ऐसा ही है, रात को बारिश होगी तो फिर नींद नहीं आती है, डर लगती है। एक तो टिन है, टिन में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो डर के मारे नींद नहीं आती है। तो शायद 8:30 हुआ है, सो जाता है टाइम से, बारिश होगी तो भी नींद भी नहीं आएगी डर के मारे। तो करती हूँ मैं अब आज की ब्लॉगिंग की एंड, मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जियो, बोलो बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, बोलो सब्सक्राइब माय चैनल, बाय, तब तक के लिए बाय बाय। तो बाय बाय।